तेजस्वी कह रहे हैं अभी भी खेला बाकी है सर। अरे कोई खेला नहीं है, कोई खेला नहीं है। चला स्पीकर अभी खेला नहीं, खेला नहीं दिया है सर। खेला तो जो होना पे रुक जाओ, खेला तो जो होना था हो गया। एनडीए गठबंधन है तो गठबंधन में कई पार्टियां हैं, तो सब लोगों के बात करने के बाद, सब लोगों के विचार विमर्श के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 9 तारीख को हम लोगों का हाउस बंद हो रहा है लोकसभा का, इसके बाद हम लोग बैठ के सीट का बंटवारा कर लेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। नीतीश कुमार जब से इंडिया अलायंस का साथ छोड़ एनडीए में शामिल हुए हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। इस पर पशुपति पारस से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो विधानसभा स्पीकर को लेकर ऐसा कुछ कह रहे हैं, लेकिन विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा देना होगा। पहले क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस, पहले आप सुनिए। लेट से क्यों बच्चे भाई, ये तो मुख्यमंत्री का काम है, मुख्यमंत्री जी को प्रशासन चलाना है और अभी सामने में बजट सेशन है, शायद 12 तारीख से बजट सेशन शुरू है और फिर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, तो बजट सेशन में है, इसलिए मुख्यमंत्री जी अपना, फिर एनडीए गठबंधन है तो गठबंधन में कई पार्टियां हैं, तो सब लोगों के बात करने के बाद, सब लोगों के विचार विमर्श के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन हम समझते हैं कि इसी महीना में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। चलो बिहार में लोकसभा सीटों का बंटवारा अभी नहीं है, लोकसभा 9 तारीख को हम लोगों का हाउस बंद हो रहा है लोकसभा का, उसके बाद हम लोग बैठ के सीट का बंटवारा कर लेंगे। एनडीए में कोई समस्या नहीं। तेजस्वी कह रहे हैं अभी भी खेला बाकी है सर। अरे कोई खेला नहीं है, कोई खेला नहीं है। चला स्पीकर अभी खेला तो खेला नहीं दिया है सर। खेला तो जो होना पे रुक जाओ, खेला तो जो होना था हो गया, और स्पीकर ऐसे इस्तीफा नहीं देते हैं। जब हाउस खुलेगा स्पीकर साहब पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उसमें जो बहुमत जिसके पक्ष में होगा, बहुमत होगा एनडीए के पक्ष में, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। बहुमत तो होगा ही, जब सरकार बहुमत में है तो विधानसभा अध्यक्ष अल्पमत में रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चलो भारत रत्न दिया गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको भारत रत्न की उपाधि पहले मिलना चाहिए था, लेकिन खैर थोड़ा विलम्ब हुआ लेकिन मिल गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से बधाई देता हूँ, और खास के अडवाणी जी जितना पुराने नेता हैं, 94 ईयर्स उनका उम्र हो गया, उनको भी मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना किस तरह से पशुपति पारस कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए की बहुमत है, तो जब स्पीकर के खिलाफ वे अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो रिजल्ट उनके ही पक्ष में होगा और स्पीकर को इस्तीफा देना होगा। इसके साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी को जो भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है उस पर भी उन्होंने उन्हें बधाई दी है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करते वो नजर आ रहे हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा पशुपति पारस ने, तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।